गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू एन इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू फाइव बाय फोर टेन एन एक्स डी एक्स शो दैट यू एन प्लस यू एन माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाई एन माइनस वन इज इट राइट जब हमने रिडक्शन फार्मूला करा था टेन एन एक्स का तो क्या था वो इट वॉज़ यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं दे रखी थी तो हमारे पास ये फार्मूला आ रहा था इज इट राइट अब हमें उसमें क्या दे रखी है लिमिट्स दे रखी हैं तो अब हमें सेम प्रोसेस से उसको ओपन करना है सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है बस उसमें इस स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट्स लग जाएंगी इज इट राइट लेट अस प्रोसीड इन एग्जांपल फर्स्ट इट इज़ यू एन इज इक्वल टू जीरो टू फाइव बाई फोर टेन एन एक्स डी एक्स शो दैट वी आर टू शो दिस नाउ कंसीडर दिस अब मैंने आपको बताया हुआ टेन एन एक्स को आप ब्रेक करते हो दो पार्ट्स में टेन एन माइनस टू एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स अब टेन स्क्वायर एक्स में वही आइडेंटिटी लगाओगे कौन से सिकंड square एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज सिकंड square एक्स माइनस वन सिकेंड स्क्वायेयर एक्स माइनस वन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा टेन एन माइनस टू एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन एन माइनस टू डी एक्स विद द विदिन द लिमिट जीरो टू पाई बाय फोर अब इसमें भी क्या है ये एफ एन एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स विद एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है हमारे पास एफ एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई एफ एन प्लस वन अब टू है तो आप क्या लिखोगे एन माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस टू प्लस वन दिस हमारे पास ये आता है अब इसके बाद क्या होगा पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आजगा टेन एन माइनस वन पाए बाय फोर ठीक है डिवाइडेड बाय ऑफ एन माइनस वन है तो ये एज इट इज ठीक है माइनस टेन एन माइनस वन जीरो डिवाइडेड बाय ऑफ एन माइनस वन और ये हमारे पास जैसे अगर वो यूएन है तो ये क्या बन जाएगा सिर्फ एन को एन माइनस टू से रिप्लेस करना है तो ये क्या बन जाएगा यू एन माइनस टू अब मुझे पता है टेन पाए बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन तो टेन एन माइनस वन पाए बाय फोर की वैल्यू क्या होगी वन की पावर एन माइनस वन दैट इज वन ठीक है अब हमें ये भी पता है टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो तो टेन एन माइनस वन जीरो की वैल्यू क्या होगी जीरो की पावर एन माइनस वन दैट इज जीरो तो यहाँ सब्सिट्यूट करा तो यहाँ क्या आ जाएगा वन ऑफ एन माइनस वन और यहाँ क्या आ जाएगा जीरो बाई एन माइनस वन तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो तो यहाँ खाली क्या बचेगा वन अपॉन एन माइनस वन तो यहाँ सब्सिट्यूट करा वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया यू एन इज इक्वल्स टू वन एन माइनस वन माइनस यू एन माइनस टू अब यू एन माइनस टू को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यू एन प्लस यू एन माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाय एन माइनस वन अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है दैट यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फाइव यू फाइव की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे एन को क्या पुट करोगे फाइव अब अगर आपने एन को फाइव पुट करा यहाँ पर तो आपको यू थ्री की वैल्यू निकालनी पड़ गई तो आप क्या करोगे जो इस इक्वेशन में है पुट एन इज टू थ्री इन स्टार इसमें पुट करा तो आपके पास क्या आ गया u3 थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस यू अब u1 हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन ऑफ टेन एन एक्स डी एक्स जीरो टू फाइव बाय फोर तो अब आप n को वन पुट करो तो u1 की वैल्यू क्या होगी जीरो टू फाइव बाय फोर टेन एक्स डी एक्स अब मुझे पता टेन एक्स की वैल्यू क्या इंटीग्रेशन क्या होती है log सिकेंड एक्स तो यहाँ आपने लिखा लॉक सिकंडक्स विद इन द लिमिट जीरो टू पाई बाय फोर अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज लॉग ऑफ सिकेंड पाई बाय फोर माइनस लॉग ऑफ सिकेंड जीरो लॉग ऑफ सिकेंड जीरो दैट इज लॉग ऑफ सिकेंड जीरो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वन लॉग ऑफ वन दैट इज जीरो लॉग ऑफ वन जीरो आया और सिकंड पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है रूट टू तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ऑफ रूट टू ठीक है यू वन की वैल्यू रूट टू निकल गई ना दैट इज लॉग ऑफ रूट टू तो आपके पास यू थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय टू माइनस लॉग रूट टू तो इन्होंने क्या करा आपको पता है दैट लॉग ऑफ ए की पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ए यही होता है ना तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ रूट टू की वैल्यू क्या होगी लॉग टू की पावर वन बाय टू दैट इज वन बाय टू लॉग तो वही चीज़ यहाँ पर सब्सिट्यूट कर रखी है अब आपकी यू थ्री की वैल्यू आ गई अब यू थ्री की वैल्यू किस में पुट करोगे यू फाइव में क्यों क्योंकि हमें यू फाइव की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपने यू थ्री की वैल्यू पुट करी यहाँ क्या आ गया वन बाय वोर माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू लोग ऑफ टू सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर